दोस्तों जो लोग ऑक्सीजन की कमी की प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं उनके लिए आज मैं एक बहुत ही इफेक्टिव घरेलू तरीका बताने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा लंग्स के इन्फेक्शन की वजह से भी कई बार हमारी सांस फूलने लगती है और बहुत जल्दी थकान महसूस होती है और हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है चलिए देखते हैं किस तरह से हम अपने शरीर में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा सकते हैं दोस्तों हम नेचुरल तरीके से हमारे शरीर में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने के तरीके जानेंगे तो वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा और ये जानकारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दिया कीजिए है ना जब आप वीडियो को लाइक करते हो पसंद करते हो तो हमारा मोटिवेशन अप होता है आइए वीडियो शुरू करते हैं तो इसके लिए हमने लिया है दोस्तों कपूर ये वही कपूर है जिसे हम पूजा पाठ में इस्तेमाल करते हैं ये आपको किसी भी पंसारी की दुकान में मिल जाएगा यहाँ पर आपको देसी कपूर इस तरह का लेना है क्योंकि इसकी खुशबू बहुत तेज होती है जब आप इस कपूर को सूंघते हैं तो आपको ब्रीदिंग में बहुत आसानी होती है जिन्हें सांस की बीमारी होती है अस्थमा की दिक्कत रहती है वे लोग हमेशा अपने पास कपूर जरूर रखते हैं जब भी आपकी सांस फूलने लगती हो ऑक्सीजन की कमी महसूस होती हो तो ऐसे में जब आप कपूर को स्मेल करेंगे तो आपकी बंद नाक भी खुल जाएगी और साथ ही ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ जाता है दूसरी चीज जो आपको लेनी है वो है अजवाइन छोटे छोटे दानों वाले अजवाइन भी औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है यह सर्दी खांसी कफ बलगम में आराम पहुंचाने में बहुत फायदा करती है कपूर और अजवाइन को एक साथ मिक्सर के अगर आप सूंघते हैं तो आपकी बंद नाक पूरी तरह से खुल जाएगी सिर दर्द हो या फिर सर्दी खांसी जुकाम हो उसमें भी आराम मिलने लगेगा साथ ही आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा तो इसके लिए आपको क्या करना है अजवाइन को इस तरीके से दर्दरा कूट लेना है एकदम बारीक पाउडर नहीं बनाना है आपके घर पर इमाम दस्ता होगा इस तरह का तो आप इसे थोड़ा कूट लीजिए आप देख सकते हैं मैंने अजवाइन को इस तरह से कूट लिया है और कूटने के बाद इसे खुशबू और भी तेज हो जाएगी है ना तेज खुशबू आएगी फिर हम यहाँ पर कपूर ले लेंगे कपूर और अजवाइन को अलग अलग कटोरी में रख देना है कपूर को थोड़ा ज्यादा लेना है क्योंकि कपूर हवा के कांटेक्ट में आकर ये रखे, रखे रखे उड़ जाता है है ना जिससे कपूर की मात्रा बहुत ही जल्दी कम हो जाती है इसलिए आप कपूर ज्यादा मात्रा में ले लीजिए और इसको घर के हर कमरे में रख दीजिए खास करके बेडरूम और ड्राइंग रूम में रखें इसके लिए क्या करना आप डब्बे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं दोनों को अलग अलग डब्बे में भरकर रख दीजिए और डब्बे के ढक्कन को हल्का खोल कर रख दीजिए इसके अंदर से जो खुशबू आएगी आपके कमरे में फैलेगी और ऐसा होने से आपके घर का जो हवा है वो शुद्ध होगा ऑक्सीजन की कमी कभी भी घर पर नहीं होगी इसके अलावा आप क्या कीजिए एक पतले से कॉटन के कपड़े में अजवाइन और कपूर की पोटली बनाकर जेब में डाल लीजिए तो जब भी आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो घुटन सा महसूस हो तो ये पोटली लेकर आप सूंघ लीजिए इससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगी या फिर आप पूरे दिन जेब में भी रख सकते हैं इससे आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा तो दोस्तों इस तरह से आप नेचुरल तरीके से ऑक्सीजन लेवल बढ़ा सकते हैं और घर के वातावरण को भी शुद्ध कर सकते हैं पॉजिटिव बना सकते हैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो ये जानकारी आपके काम आएगी वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोगों को ये जानकारी मिल सके तो कल एक नए वीडियो के साथ नए जानकारी के साथ हाजिर होता हूँ तब तक अपना ख्याल रखिए खुश रहिए और हमेशा हेल्दी रहिए